हेलो, पिछली बार हमने संविधानवाद के बारे में अध्ययन किया था और ये देखा था कि संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है। आज हम एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या संविधानवाद के तत्व का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि पिनाक एवं स्मिथ ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड इंट्रोडक्शन में संविधान के चार अपरिहार्य तत्वों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार हैं। पहला, संविधान अपरिहार्य संस्थाओं को अभिव्यक्त करने वाला होता है। इट मीन्स इट इज़ अ एस एन एम्बोडीमेंट ऑफ असेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दूसरा है, संविधान राजनीतिक शक्ति का प्रतिबंधक होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एज रेस्ट्रेंट अपॉन पॉलिटिकल पावर। इसी प्रकार से तीसरा है, संविधान विकास का निर्देशक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज एज द डायरेक्टर ऑफ डेवलपमेंट। एंड लास्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन एज एन ऑर्गेनाइजर ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, अर्थात संविधान राजनीतिक शक्ति का संगठक है। अब हम इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसा कि पहला बताया था कि संविधान अपरिहार्य संस्थाओं से अभिव्यक्त के रूप में होता है, अर्थात जहाँ संविधान होता है वहाँ देश में सरकार की आधारभूत संस्थाओं जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और अन्य प्रशासकीय सेवाओं की स्थापना और व्यवस्था की जाती है। क्योंकि संविधानवाद की मांग है कि राज्य में संविधान इन अपरिहार्य संस्थाओं की प्रभावी व्यवस्था और स्थापना करे, इनकी शक्तियों की स्पष्ट व्याख्या करे। यदि किसी संविधान द्वारा आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं के अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या नहीं की जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी व्यवस्था में संविधानवाद संभव नहीं होता है। क्योंकि क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस बात का हमेशा खतरा बना रहता है कि कहीं राजनीतिक शक्तियों के प्रयोगकर्ता अपने अधिकार क्षेत्र को इच्छानुसार बढ़ाकर शासन शक्ति का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार संविधान चाहे लिखित हो या विकसित अलिखित हो, उसमें सरकार के तीनों प्रमुख अंगों को संगठन, कार्यों और पारस्परिक संबंधों की स्पष्ट व्यवस्था संविधानवाद के अभिव्यक्ति के लिए अनिवार्य है। इसी प्रकार से हम बात करें राजनीतिक शक्ति के प्रतिबंधक के रूप में, तो इसका तात्पर्य है कि संविधान में नियंत्रणों और प्रतिबंधों की व्यवस्था होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पर राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति का स्वेच्छाचारी प्रयोग संभव न हो सके, तो ये अपेक्षा की जाती है कि वहाँ पर संविधान विधि के शासन की स्थापना करे, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करे और शक्तियों का समुचित विभाजन अर्थात सेपरेशन ऑफ पावर और विकेंद्रीकरण अर्थात डिसेंट्रलाइजेशन करे, और ऐसी व्यवस्था करे कि सामाजिक बहुलवाद की परिस्थितियाँ सजीव रहें। और ये कब होगा? जब प्रभावी प्रतिबंध और नियंत्रण की व्यवस्था की जाएगी। इससे क्या होगा? ताकि सरकार और नागरिक दोनों अपने ही अधिकार एवं कार्य क्षेत्र में सीमित रहने के लिए बाध्य हो सकें। बात करते हैं हम संविधान विकास के रूप में निर्देशक एज द डायरेक्टर ऑफ डेवलपमेंट। इसका अभिप्राय यह है कि केवल वर्तमान में ही एक प्रभावी राजनीतिक शक्ति नहीं बनी रहे, वरन यह निरंतर क्या हो, कंटिन्यूली गतिमान हो, उसकी सजीवता बनी रहे और ना केवल वर्तमान में वरन भविष्य में भी राजनीतिक व्यवस्था के विकास का निर्देशक बना रहे, ताकि संविधान में परिस्थितियों के अनुरूप ढलने और विकसित होने की क्षमता हो सके। ऐसी योजना की व्यवस्था की जाए कि वह परिवर्तित सामाजिक मान्यताओं, मूल्यों और आदर्शों को जीवन शक्ति देता रहे। इसी प्रकार से हम संविधान राजनीतिक शक्ति या संगठक के रूप में एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, इससे हम ये तात्पर्य आशय लगा सकते हैं कि संविधान केवल सरकार की सीमाओं की स्थापना नहीं करता, वरन सरकार की विभिन्न शक्तियों का लंबात्मक अर्थात वर्टिकल और होरिजेंटल अर्थात अंबारातीय वितरण भी करता है। क्योंकि संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के कार्य अधिकार युक्त रहें और स्वयं सरकार वैधानिक
तथा औचित्यपूर्ण बनी रहे। यदि संविधान ऐसा नहीं करता या ऐसा नहीं होता है तो वह संविधान ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाएगा और राजनीतिक व्यवस्था में संविधानवाद राजनीतिक शक्ति का संगठक नहीं बना रहेगा। अब बात करते हैं हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या संविधानवाद की सामान्य विशेषताओं की। तो इसकी पहली विशेषता है मूल्य संबद्ध धारणा, अ वैल्यू बेस्ड कंसेप्ट। इसका तात्पर्य अगर हम लगाएं तो इसका संबंध राष्ट्र के जीवन दर्शन से होता है। इसमें उन सभी तत्वों का समावेश होता है जो कि किसी भी राष्ट्र के जीवन दर्शन में पहले से ही उपस्थित होते हैं। यदि हम बात करें तो संविधानवाद बुद्धिजीवियों द्वारा प्रसारित किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ उस देश की परंपराओं, परिस्थितियों, समस्याओं आदि की भी व्यापक छाप होती है। अगर हम बात करें तो संविधानवाद विभिन्न केंद्रों या स्थानों से निर्मित मूल्यों से युक्त धारणा है और ये मूल्य वो मूल्य हैं जिनका संबंध राष्ट्र के जीवन दर्शन से होता है, जो समाज को प्रिय होते हैं और जिनकी रक्षा के लिए समाज बड़े से बड़ा बलिदान करने के लिए उद्यत रहता है। जिन मूल्यों को समाज ठुकरा देता है उनका संविधानवाद में स्थान पाना बहुत ही दुष्कर होता है। इसी प्रकार से जो पाश्चात्य विचारक हैं उन्होंने संविधानवाद के दो पहलू माने हैं, मीन्स एंड एंड्स, साधन और साध्य। संविधानवाद में इन दोनों ही पहलुओं की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है। सेकंड है संस्कृति संबद्ध धारणा, अ कल्चर बेस्ड कंसेप्ट। संविधानवाद देश की संस्कृति से संबद्ध होता है जिससे इसमें वास्तविकता आती है। किसी भी देश के मूल्य उनके समाज की संस्कृति से संबद्ध या जुड़े होते हैं। देश के आदर्शों, मूल्यों, विचारधाराओं को उस देश की संस्कृति की उपज माना जाता है। ये आदर्श, मूल्य और सिद्धांत समय, स्थान और जनता के साथ जुड़े होते हैं और यही कारण होता है कि लोगों को अपनी संस्कृति से गहरा लगाव होता है और संविधानवाद इन्हीं सब आदर्शों, मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित होता है। बात करते हैं संविधानवाद की विशेषता की तीसरी विशेषता, गतिशील धारणा, डायनेमिक कंसेप्ट। संविधानवाद एक गतिशील धारणा है, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि इसमें स्थायित्व या स्टेबिलिटी नहीं होती है। संविधान की विशेषता यही है कि इसमें स्थायित्व के साथ ही गतिशीलता का अस्तित्व होता है। अगर ऐसा नहीं हो तो समय और परिवर्तन के अनुरूप वो विकसित नहीं हो सकेगा और उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी या लोचशीलता नहीं होगी जो लंबे समय तक सजीव बनी रह सके। यही कारण है कि संविधानवाद वर्तमान के लोकप्रिय मूल्यों और आदर्शों के साथ ही भावी आकांक्षाओं का प्रतीक होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो वो है संभागी धारणा, अ शेयर्ड कंसेप्ट। संविधानवाद एक संभागी अवधारणा है। ये संभव है कि एक राष्ट्र के मूल्यों, उसके विश्वासों, उसकी राजनीतिक आदर्श और संस्कृति के प्रति कुछ अन्य देश निष्ठा रखें, अर्थात कई देशों के राजनीतिक आदर्श, आस्थाएं, मान्यता और सांस्कृतिक मूल्य बहुत कुछ समान हो सकते हैं और ऐसे देशों के संविधानवाद में आधारभूत समानताएं होती हैं और हमारे समक्ष अपना संभागी व्यक्तित्व प्रस्तुत करता है। जैसा हम कह सकते हैं उदाहरण के रूप में कि एंग्लो अमेरिकी अर्थात पश्चिमी संस्कृति वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं में संविधानवाद में समानता के मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं। इन समानता में प्रकार का अंतर नहीं होता, यद्यपि मात्रा का अंतर हर देश में अवश्य दिखाई देता है, लेकिन यही अंतर साम्यवादी देशों में पाया जाता है, लेकिन वह भी मात्रा का होता है, इस प्रकार का नहीं होता है। अगर हम विकासशील देशों की बात करें तो यद्यपि अधिक असमानताएं पाई जाती है और हर देश का अपना अलग कहना चाहिए ईगो होता है या अहम होता है और वो अपने मौलिक जीवन दर्शन की स्थापना का प्रयास भी करता है, तथापि इन देशों की संस्कृति में मैत्री का अधिक पुट पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इन देशों में व्याप्त असमानताओं के बावजूद मुख्य रूप में समानता के लक्षण दिखाई देते हैं। अतः यही निष्कर्ष निकलता है
कि संविधानवाद एक समभागी अवधारणा है। सेकंड लास्ट है साध्यमूलक अवधारणा, एन एंड्स कंसेप्ट, अर्थात संविधानवाद मुख्यतः साध्यों से संबंधित विचार है, यद्यपि ये साधनों की उपेक्षा नहीं करता है। साधन प्रधान विचार साध्यों या लक्ष्यों के प्रति पूर्ण उदासीन नहीं रह सकते हैं। साध्य और साधन एक बहुत ज़्यादा घनिष्ठ रूप से इंटररिलेटेड है या संबंधित हैं, और उनमें अंतर प्रकार का नहीं बल्कि क्वांटिटी का होता है, मात्रा का होता है। संविधानवाद का प्रमुख संकेत साध्यों लक्ष्यों की ओर ही होता है, क्योंकि यह उन आदर्शों से अधिक संबद्ध होते हैं जिन्हें नागरिक प्राप्त करना चाहता है। साधनों से लगाव रखते हुए संविधान का महत्वपूर्ण लगाव साध्यों या लक्ष्यों से होता है। और लास्ट है संविधान आधारित धारणा, अ कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड कंसेप्ट। प्रत्येक देश अपने संविधान में अपने समाज की मूलभूत आस्थाओं का समावेश करना उपयोगी समझता है, क्योंकि इसमें संविधान के प्रति जनता में विश्वास और लगाव उत्पन्न होता है। संविधानवाद में इसी संविधान की छाप दिखाई देती है, लेकिन ऐसा हमेशा ही हो यह भी जरूरी नहीं होता, क्योंकि कई बार होता यह है कि संविधानवाद के आदर्शों का प्रतिबिंब संविधान में नहीं मिलता। अर्थात संविधान और संविधानवाद में परस्पर साम्य न होकर दोनों की दिशाएं अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि ये देश में शासकों और शासितों की राजनीतिक मान्यताओं में विरोध और तीव्र मतभेद का संकेत करती हैं। संविधान और संविधानवाद में साम्य न होने पर देश में राजनीतिक उथल पुथल की संभावना प्रबल हो सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान वह आधारशिला प्रस्तुत करता है जिस पर संविधानवादवादी रूपी भवन की नींव टके रहे। जब कभी आधारशिला अस्त व्यस्त हो जाती है या गड़बड़ा जाती है तो संविधान में संविधानवाद के आदर्शों का स्थान नहीं रह पाता, तो संविधानवाद का सारा भवन चरमराकर धराशायी होने लगता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये विशेषताएं प्रत्येक देश में न्यून अधिक मात्रा में संविधान के आधार के रूप में पहचानी जा सकती हैं। कल हम डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का अध्ययन करेंगे, अर्थात संविधानवाद की विभिन्न अवधारणाओं का हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।